ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਵੜੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਵੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਨੱਥੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਪੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲ ਗਈ। ਸਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। अच्छा, हम पहुंच गए हैं जैनी रूपा शाह और नथू शाह का वो घर जो उन्होंने और पार्टीशन हो गई, हंगामे शुरू हो गए, तो यहाँ पे जो है ना तोप भी नस्ब की गई थी ताकि जो है ना वो इन केस अगर हम पे हमला होता है तो उसको हमें। ये जी आगे हम इस खूबसूरत घर जो है इसके अंदर जहाँ का भी दोस्तों वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। अच्छा ये पता नहीं किस मकसद के लिए बनी हुई, ये कपड़े की और पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या लटकाते थे इसके अंदर, ये कहा जाता है कि ये 1900। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसके साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त वीडियो जो है ना उस सियालकोट शहर से मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग अपनी एक नई वीडियो के साथ सियालकोट से आपकी खिदमत में हाज़िर। सियालकोट में आपको आज दिखाएँगे दो ऐसे परिवारों का घर जिनका नाम नथू शाह और रूपा शाह था। ये जैनी थे, बहुत बड़े इनके बिजनेस थे यहाँ पे और इनकी बड़ी हवेली थी यहाँ पर। हम उधर जा रहे हैं लेकिन ये रास्ते में आया जी अलामा इकबाल का घर। जी हाँ, ये जो लोग सियालकोट से गए हैं वो जानते होंगे कि ये अलामा इकबाल जो शायर मशरक़ हैं उनका घर है और ये बाहर उनके लिखा हुआ है जनाब इकबाल मंजिल सियालकोट। यहाँ अलामा इकबाल की पैदाइश हुई थी और ये लगी हुई है उनके नाम की तख्ती जी, डॉक्टर अलामा इकबाल की जो है ना वो यहाँ पैदाइश और उनके बेटे की यहाँ पर डॉक्टर जवेद इकबाल उनकी पैदाइश इस घर में हुई थी। तो ये अलग से वीडियो है लेकिन अभी हम जा रहे हैं मोहल्ला बाबड़ियाँ। ये कदम जो है ना ये चलते जा रहे हैं और खोज लगाने के लिए और एक ऐसे परिवार को उनका घर दिखाने जो 75 साल से किसी और फैमिली के ज़ेर इस्तेमाल है और जो बड़े चाव और मान से बनाया था इन तंग गलियों में जाके बहुत बड़ी हवेली वो आज के साल में है। जी हाँ, ये रास्ते में कुछ रेनोवेशन हो रही है पुरानी हवेलियों की, ये जनाब आप देख सकते हैं इनकी बड़ी अच्छे तरीके से इनको रेनोवेट किया गया है और कुछ अभी आप देख सकते हैं ये देखें सुरंगें बनी हुई हैं। जैसा कि बुज़ुर्गों ने कहा था कि उधर सुरंगें बनी होती थी और छतियां गलियां यानी कि कवर जो होती हैं गलियाँ ये वो हैं। और मोहल्ला बाबड़ियाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर तरीन जैन मत के लोग आबाद थे 1947 की पार्टीशन से पहले, आज एक भी जैन वहाँ पर नहीं है। तो ये जनाब होता हुआ मैं जा रहा हूँ और कुछ रास्ते में घर मुझे टूटे भी नज़र आ रहे हैं और लोग उनमें नई तामीरात बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। देखा ना, यहाँ पर आज भी बहुत बड़ी हवेलियाँ हैं लेकिन बहुत सारी तामीरात जो है ना नई हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट ये सारे नए घर बन चुके हैं जो कि पुराने हुआ करते थे। ये देखिए आप जनाब रूपा शाह और नथू शाह इनके घर की वहाँ पर आज भी नंबर जो नेम प्लेट है वो लगी हुई है। यही है वो गली, वो सामने आप मकान जो देख रहे हैं वो भी पुराना घर था जो अब नया बन चुका है जहाँ लोग जा रहे हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें ये छोटी ईंट का एक बहुत कदीमी घर नज़र आ रहा है। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं जैनी रूपा शाह और नथू शाह का वो घर जो उन्होंने 18वीं सदी में बनाया था छोटी ईंट से। ये जनाब आप देखिएगा ये 1884 का घर बना हुआ, देखो यार हाँ जी इतना खूबसूरत घर। और फिर 47 की जब पार्टीशन हो गई तो इस फैमिली ने रातों रात यहाँ से बोरी बिस्तरा गोल किया और रेलवे स्टेशन सियालकोट चले गए और वहाँ से फिर ट्रेन ले ली। ये है वो घर, अभी मैं आपको जूम करके तो इसका दिखाता हूँ। ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ये लिखा है जी, ये उर्दू में लिखा है जी रूपा शाह नथू शाह जैनी और नीचे लिखी हुई है डेट 3 बैसाख 1884। ठीक है जी, ये उनके घर का आज भी पत्थर का टुकड़ा इस घर पे नसब है और जो 1947 की पार्टीशन के बाद आज तक तब्दील नहीं किया गया। अभी इस घर के अंदर भी जाएंगे और आपको अंदर का माहौल भी दिखाएंगे लेकिन थोड़ा सा आपको बाहर से दिखा दें कि ये दिखने में जो इतनी खूबसूरत और शानदार हवेली थी आज इसके बहुत सारे क्या कहते हैं पार्ट्स बन चुके हैं। ये डोर जो आपको नज़र आना राइट साइड पे कोने पे, इसके राइट साइड पे भी बहुत ज़्यादा जगह थी और आज भी ये हवेली 2-3 हिस्सों में तकसीम है। ठीक है जी, इस पे जो खूबसूरत उस दौर के रंग किए गए थे रेड कलर के या मैरून कलर के वो आज भी मौजूद हैं। ये हिस्सा भी इसी हवेली का है, ये राइट साइड है इस दरवाजे से, ये दरवाज़ा ये उसकी राइट साइड और फिर आगे आप ये लेफ्ट साइड देखें बहुत बड़ा घर था।
इनके बुजुर्गों ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारा बहुत बड़ा घर था और उसके आसपास बुड्ढी बाजार भी था, और जब पार्टीशन हो गई, हंगामे शुरू हो गए, तो यहाँ पे जो है ना तोप भी नस्ब की गई थी ताकि जो है ना वो इन केस अगर हम पे हमला होता है तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो ज़मीन में थी इसलिए जब निकाला तो वो नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थी, जिसके बाद हमने सोचा कि अब जो है ना यहाँ से जाना बेहतर है। तो पीछे जो है छोटी तंग गलियाँ, वहाँ से होते हुए हम जो है ना ये जो घर है जिसके ऊपर रूपा शाह और नथू शाह जैनी लिखा हुआ है, इसको छोड़ दिया। और बड़े मुश्किलात के साथ हम गलियों से होते हुए जो स्टेशन है सियालकोट रेलवे स्टेशन, वहाँ पर पहुँचे और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चले गए। जो मुश्किलात देखी वो एक अलग स्टोरी है और उसकी एक लंबी डिटेल है। उसके बाद फिर ये पार्टीशन के बाद जो इंडिया से आए हिजरत करके मुसलमान, ये उनको अलाट हो गई। और ये जो आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं ये वो इस्तेमाल करते रहे हैं लोग जो उसके बाद यहाँ पे आबाद हुए। ये आ गए हम अंदर और ये इसकी गैलरी है ड्यूड़ी, ये देखें ना छोटी सी ओरिजिनल छत और ऊंची छत है ये इसकी। इसके राइट और लेफ्ट साइड पे एक ये दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है, दोनों साइड पे बड़े बड़े बिग पोर्शंस बने हुए हैं जिनमें ख़ानदान आबाद है। ये जनाब उसी दौर की छोटी ईंट के बने हुए आले, और ये बिजली का स्विच, ये भी पुराना है क्योंकि सियालकोट में बिजली 1947 की पार्टीशन से पहले की थी। ये जनाब आप देखिएगा क्या खूबसूरत घर, देखिए जी ये आगे अंदर। अब ये जो है ना ये भी ओरिजिनल छत है और ये सामने एक कमरा आ गया, और ये जनाब लेफ्ट साइड पे ये मिनहल बंद है। ये जी आगे हम इस खूबसूरत घर जो है इसके अंदर, जहाँ कभी ये सियालकोट की अमीर तरीन जैन फैमिली आबाद थी। हर तरफ सन्नाटा या खाली घर पड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे जो किराएदार थे वो एक शूज़ कंपनी का गोदाम था, और इन्होंने जब ये घर खाली चंद रोज़ पहले किया तो वो गंद उसी तरह पड़ा हुआ है, डब्बे पड़े हुए हैं कमरों में और बहुत गंदगी है। देखिए जनाब, वैसे जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना तो मुझे बिल्कुल वही ज़माना याद आ गया जब मैं इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि ये गलियाँ, ये चुबारे, ये दरो दीवार जिस फैमिली ने बनाया होगा, किसी की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे घूमने की जहाँ मैं घूम रहा हूँ। लेकिन आज ये वीरानी और ये जो रेनोवेट किया हुआ किसी लिहाज से थोड़ा सा घर है, ये अजीब सा मंजर पेश कर रहा है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ऊपर एक फैमिली बात है, नीचे वाला पोर्शन खाली है। ये जी यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है टेम्परेरीली, 1947 की पार्टीशन के बाद का शायद बना हुआ है। और ये जनाब इसके कमरे और ये इसका सेहन। दोस्तों सारा कुछ होते ही है, अगर नहीं तो वो फैमिली नहीं जिसने ये कमरे बनाए या जिन्ना दे परिवार इत्थे आबाद सन। अज ये खानदान जिहड़ा जैनी खानदान जिन्ना दे वड्डियां दी हवेली सी, वो जनाब तरस दे होणगे ऐसा घर नूं वेखण वास्ते, ते उन्हां दी ख्वाहिश नूं मद्देनज़र रखदे होए मैं फिर कोशिश कीती कि मैं उनके घर में जाऊं और उनके अंदर से भी घर दिखाऊं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अंदर से मैं घर दिखाऊं, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते अपने बड़ों की यादगारें देखने के लिए, कम से कम मैं तो हूँ ना उनको दिखाने के लिए। ये रोशनदान, ये खिड़कियाँ और ये अलमारियाँ सब दिखाऊंगा आपको, गो कि अब इनके अंदर कुछ भी नहीं, क्या होगा। दोस्तों वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। अच्छा ये पता नहीं किस मकसद के लिए बनी हुई, ये कपड़े की और पता नहीं क्या चीज़ है, ये क्या लटकाते थे इसके अंदर। ये कहा जाता है कि ये 1947 की पार्टीशन से पहले की बनी हुई है, जब ये घर बना था ओरिजिनल। ये फिर हम आगे सेहन में, और फिर एक और सामने नज़र आ रहा है बेडरूम हमें, ये थोड़ा ऊँचा है, और ये हम आगे अंदर इसके। वाह जी वाह, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। एक दौर था यहाँ पर जो बहुत बड़ी फैमिली थी, बिजनेसमैन फैमिली, नथू शाह और रूपा शाह, उनके परिवार यहाँ पे आबाद था। आज ये चीज़ें सारी जो है ना, ये देखिए ये बिल्कुल वीरानी और एक सन्नाटे का मंज़र पेश कर रही हैं, लेकिन है इसमें आज भी बहुत कुछ ओरिजिनल। ये देखें छोटी ईंट से बनी हुई ये चीज़ें,
आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं और आज भी ये तरस रही हैं कि शायद वो फैमिली जिसने हमें बनाया था उनका कोई बुजुर्ग जिंदा हो तो मुझे आके देख ले कि मैं आज भी उधर मौजूद हूँ, मैं उनका घर आज भी वहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे वो लोग छोड़ गए, मुझे खाली करके। उसके बाद इस घर पर क्या बीती, कितने लोग रहे, कितने ख़ानदान यहाँ पे आबाद रहे 75 सालों में, वो एक अलग स्टोरी है। ये किचन है जी, रेनोवेट किया हुआ, साइड पे टाइलें लगाई हैं और ये ऊपर छतन एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। वाह जी वाह, देखे जनाब यादा रह गई हैं। देख लो जी जनाब, नथू शाह और जरा परिवार है, रूपा शाह और वो देख ले, ये है उनके फोर फादर्स का वो बनाया हुआ सियालकोट शहर के मेन, जो मेन शहर है मोहल्ला बाबड़ियाँ, वहाँ पर उनका घर ओरिजिनल हालत में। जो भी कुछ मुझे मिला यहाँ पे वो आपको दिखा रहा हूँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और जो लोग ये अभी वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एक सेकंड लगेगा ठीक है ना, और बेल को दबा दें ताकि मैंने बहुत सारी अभी और भी सियालकोट से वीडियो लेके आनी है। बल्कि अगर आप लोग अपने घरों अपने बुजुर्गों का जानते हैं कि उनका घर कहाँ था तो मुझे उसका थोड़ा सा गाँव का नाम या शहर का नाम मोहल्ले का नाम ज़रूर बताएँ, या उनकी तस्वीरें बुजुर्गों की अभी कोई पुरानी आपकी पड़ी हुई लाइब्रेरी में वो भी मुझे सेंड करें ताकि मैं जब वीडियो बनाने जाऊं तो उनकी तस्वीरें भी साथ लगाया करूं, उससे वीडियो में एक शाइनिंग आएगी और लोगों को पता चलेगा कि ये हैं वो बुज़ुर्ग जिनकी इन्वेस्टमेंट से ये शानदार घर बने थे। ठीक हो गया जनाब, ये वही गैलरी हम वापस आ गए जहाँ से हम इस घर के अंदर गए थे, और ये दरवाज़ा जो बाहर खुलता है गली में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि ये आपको वीडियो कैसी लगी या आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, बट मैं आपकी जो ख्वाहिश है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जनाब नथू शाह और जैनी शाह का घर, और अब मैं आ चुका हूँ इस घर से बाहर, और ये जनाब इसका रोड है। दोस्तों संताली की यादें जो है ना वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे की आँख में महफूज कर लूँ ताकि आप लोग जब चाहें मेरे चैनल से देख सकते हैं। मैं आपका खादम औरंगज़ेब बेग सियालकोट से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो के लिए देखते रहिए मीडिया टॉप। अल्लाह हाफिज़।